हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुश्किल से 5 मिनट, संकट मोचन आ गया। गेट नंबर 4 बस ये ध्यान रखना, गेट नंबर 4। नमस्ते, सलाम सिस्टर काल काटी शाम व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह उठ के रेडी हो गए थे, थोड़े लेट हुए, लेकिन जब तक हुए तो फिर बारिश शुरू हो गई, अब जाके रुकी है। तो अब निकल रहे हैं, पहले संकट मोचन, फिर उसके बाद मणिकर्णिका, टाइम बचा के BHU, और एक चीज और सोचिए, देखते हैं टाइम मिले जितना हो जाए। बाकी दर्शन कल सुबह पक्का होंगे भाई, आज नहीं हो पाए, कल सुबह पक्का दर्शन करके ही जाएंगे वापस। चलो फिर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब मुश्किल से 5 मिनट, संकट मोचन आ गई है। अभी जाम ठीक है भाई, गुड़गांव का, बैंगलोर का, हर जगह का जाम फैला, बनारस के आगे हर जगह का जाम फैला भाई। बस थोड़ा सा हाइप में नहीं है, ये तो लोगों को पता है भाई। संकट मोचन मंदिर के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे शायद मतलब रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी, तो दर्शन के बाद मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन देख के आया भैया, मंदिर तो अच्छा बना हुआ था। अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, लास्ट टाइम आया था तब नहीं गया था वहाँ पे, इस बार जा रहे हैं, और लेकिन रास्ता थोड़ा गलत आ गए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर है, और गूगल मैप यहाँ दिखा रहा था कहीं, बनारस में गूगल फेल। चलो वहीं पहुँचते हैं, दिखाते हैं, बैठेंगे थोड़ी देर में। लेट्स गो। ये है हमारे भोले बाबा के मंदिर का सबसे, काशी मंदिर के तो गेट नंबर 4 बहुत बड़ा बना रखा है, अंदर से बहुत सुंदर है। तो यहाँ से नहीं जाओ, बनारस हमेशा फुल पैक रहता है भाई। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया पहुँचते पहुँचते, भटक गए थोड़ा सा, लेकिन अब पहुँच गए। यहाँ से 200 मीटर है, पार्किंग ढूंढ ली थी एक मॉल की, वहाँ खड़ी करी है, नहीं तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने में भी दिक्कत है। गाड़ी तो बहुत दिक्कत है, बाइक से भी खड़ी करने में दिक्कत है। अभी चलते हैं, हाँ जी। तो अभी घाट से आए हैं, कुछ मत करना, फोन जेब में, और 5 मिनट बस खड़े हो जाना, और कुछ नहीं भाई। हाथ जोड़ के वैसे काफ़ी देर खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, और कुछ बात आपस में कुछ भी नहीं, बस खड़े हैं। और अभी हम आए हैं उसके, अगर आप लोगों को मंदिर की फ़ोटो खींचनी है विश्वनाथ की, सबसे अच्छा तरीका है वहाँ अंदर फोन लेना, और नहीं है मणिकर्णिका घाट आप लोग आओ तो गेट नंबर 4 के पास से यहाँ एंट्री है, ये मेन गेट है, वहाँ आप फोटो खींच सकते हैं। यहाँ गेट है, यहाँ फोटो खींच सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, फोटो आराम से खींच सकते हैं। तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ा एक दो शॉर्ट वॉट लेता हूँ, भोले बाबा को प्रणाम करते हैं और सुबह दर्शन करके जाएंगे, ऐसा वादा करते हैं। बाकी बाबा बुला ही लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर भाई ये, पीछे गेट देखो, लाइट्स, SBI का बैंक भी है, कैनरा का भी है। गेट नंबर 4 बस ये ध्यान रखना, गेट नंबर 4। हमारे महादेव का द्वार है ये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाय खाओ, क्या खाओ? रवा या हवा मसाला डोसा है, ऐसा हवा पार कर दिए बे। अच्छा, लेकिन एरिया अच्छा बना रखा मंदिर के पास, बहुत बढ़िया। तूने पहली बार देखा ना, तूने भी? मैंने पहली बार देखा, मजा आ गया। लाइटें लुटे खाने उड़ने का सुविधा अच्छी है यहाँ पे, खाते हैं फिर बात करेंगे। देखो वहाँ क्या मिलता है, मसाला कोल्ड ड्रिंक पिया भाई तूने? नहीं भाई। देखो ये क्या बवाल है, नाम क्या है बवाल? मसाला कोल्ड ड्रिंक, मसाला कोल्ड ड्रिंक।
चलो ये खोल गया, खोलेगा जान से भाई। देखा देख के क्या होलिया हो गया भाई, मैं कह रहा हूँ सच बता रहा हूँ, बनारस ने बेंगलोर गुड़गांव हर जगह का जाम फिल कर दिया, दिल्ली तो कुछ भी नहीं, जो जाम यहाँ लगता है भाई पैक्ड पूरा बनारस पूरा पैक्ड। यहाँ पे अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है और बारिश में भीगते हुए हम लोग वापस भी आ गए हैं अपने हॉस्टल। आज का दिन शांत था, अच्छा था, अब बारिश पड़ गई है, भीग चुके हैं, जाके थोड़ा सा सुखा उखा के फिर देख बैठते हैं और कॉम्बिनेटिव और क्या। हरे महादेव। कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं काशी चाट भंडार, यहाँ की फेमस चाट खाने। आपको स्वाद तो नहीं दिला पाएंगे लेकिन ललचाएंगे पूरा। सब्सक्राइब करो। काशी की सबसे अच्छी बात ये बताऊँ, मैप छोड़ दो, सिर्फ यहाँ के लोगों से रास्ता पूछते हो जाओ। मॉर्निंग मॉर्निंग कहो वहाँ जाएंगे। अरे यार को बटाटे हैं। शांत कैसा हो गया? एकदम शांत हो गया यहाँ आते ही। भाई पता है एक के नाम से वो लड़का इतना फेमस है सोशल मीडिया पे, ये वाला वो बच्चा भाई सच में फेमस है वहाँ। दो तीन लड़कियाँ मतलब बाहर की थी, वो कह रही थी उसी से टीका लगवाएंगे, वो फेमस है। छोटी सी ट्रैक के बाद पहुँच गए, 200 मीटर नहीं होगा, 170 किलोमीटर भी बाकी है अभी। हमारे पंप का पंप की पंप भी हो गया है, बैठे बैठे गाड़ी पे।